नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि सफलता के लेकर कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं जो हाथ में दिखाई देते हैं। इसी चरण में आज आगे बढ़ते हुए आपको एक विशेष चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ, जो यदि हाथ में हो तो किस प्रकार का प्रभाव देता है। सूर्य रेखा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। वैसे तो हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा का, यदि आपकी सूर्य रेखा यहाँ एक लंबी सूर्य रेखा आपके सूर्य पर्वत पर है, तो निश्चित रूप से इसे बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये वाली उंगली जो है ये अनामिका उंगली है, और इस अनामिका उंगली के नीचे के जो क्षेत्र है इसे सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको यहाँ सूर्य के पर्वत को भली भांति देखना है। यहाँ सूर्य का पर्वत यदि बिल्कुल मध्य स्थिति में है तो सूर्य को बहुत शुभ माना जाता है, और जितना वो खिसक जाएगा बुध की ओर या शनि की ओर उतना वो प्रभावित होगा। हालांकि सूर्य पर्वत का बुध की ओर खिसकना भी शुभ माना जाता है, जबकि शनि की ओर खिसकना स्ट्रगल को बढ़ा देता है। तो इससे आपका संघर्ष जो है थोड़ा और अधिक हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगेगा। तो जिन लोगों का शनि सूर्य पर्वत खिसक कर बिल्कुल शनि तक पहुंच गया, उन लोगों में स्ट्रगल कुछ ज़्यादा रहता है। आज हमारा विषय सूर्य रेखा की विशेषता के बारे में है। यदि आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है तो ये शुभ मानी जाती है, इसे सफलता का संकेत माना जाता है। ये सफलता किस मात्रा में मिलेगी ये हाथ के बाकी पूरे स्ट्रक्चर और सूर्य पर्वत की स्थिति पर भी निर्भर करता है, किंतु यदि सूर्य रेखा है तो ये शुभ तो है। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में आपको कैसे दिखाई देगी कि सूर्य रेखा ऊपर के हिस्से में इस तरह से द्विशाखित हो जाती है, एक वाई जैसा चिन्ह बना देती है। अगर सूर्य रेखा द्विशाखित है, ऊपरी हिस्से में दो शाखाएं बना रही है, इनमें से एक शाखा आपको शनि की ओर, एक शाखा आपको बुध की ओर जाती हुई दिखाई देगी, तो ऐसे लोगों में निश्चित रूप से बहुत अधिक सफलता देखी गई है। ये नाम कीर्ति को तो देती ही है, साथ साथ धन प्रदायक भी मानी जाती है। तो ऐसी सफलता, ऐसी सूर्य रेखा यदि आपके हाथ में है तो दोनों संभावनाएं हैं, जहां आपको प्रसिद्धि मिलेगी वहीं काफ़ी मात्रा में धन लाभ भी मिलेगा। तो इसका होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है, दोनों शाखाएं अगर हों। यदि ये शाखा केवल एक ओर सूर्य रेखा मुड़ी होती है तो कम मात्रा में मिलती है। अगर आपकी एक सूर्य रेखा मुड़कर बुध की ओर जा रही है तो व्यापारिक सफलताएं ज्यादा होती हैं। अगर ये दोनों ओर मुड़ जाए तो ये अधिक शुभ है। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये आपको मिलती कहां पर है। क्या ये आपको बिल्कुल सूर्य के मध्य क्षेत्र पर दिखाई देती है या थोड़ा सा इस तरह से बुध की ओर जाते हुए दिखाई देगी। यदि ये बुध की ओर जाएगी तो व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा सफलता मिलेगी, किसी व्यापार के द्वारा, किसी व्यापारी से संबंध के द्वारा या बौद्धिक कार्यों से ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आपकी सूर्य रेखा झुक जाती है शनि की ओर और यहाँ जाकर सूर्य की दो शाखाएँ दिखाई देती हैं, ये है सूर्य पर्वत पर ही लेकिन शनि की ओर खिसकी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा अनुशासित होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, और उन्हें जो सफलता मिलती है वो आमतौर पर माना जाता है कि कठोर परिश्रम के बाद मिलती है, इसलिए इसे उतना अधिक शुभ नहीं माना जाता। लेकिन सफलता तो मिलती ही है, परिश्रम करना आजकल लोग थोड़ा उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसे आप थोड़ा अशुभ मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्राचीन लोगों के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो वो कहते हैं कि सफलता मिलना अंतिम लक्ष्य है, भले ही कितना कठोर परिश्रम करने के बाद मिले, तो इसलिए ये शुभ ही है। और इसका शनि की ओर खिसक जाना, बिल्कुल शनि पर पहुँच ना गई हो, थोड़ी सी सूर्य पर ही हो और यहाँ द्विशाखित हो जाए, तो अब ये सफलता जो है वो व्यापारिक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि या तो नौकरी के क्षेत्र में या योग के क्षेत्र में या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में, इनमें ज़्यादा प्रसिद्धि हो सकती है। अगर आपको सूर्य रेखा बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है, सीधी, ये द्विशाखित है और बीच में एक ब्रांच और निकल गई है, ये त्रिशाखित हो गई है, ये बीच वाली जो शाखा है अब इसे आप आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ मान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को नाम भी बहुत मिलेगा,
प्रसिद्धि भी बहुत मिलेगी, धन भी बहुत मिलेगा, लेकिन एक तीसरी चीज इसमें ऐड हो गई है, और वो तीसरी वस्तु क्या है कि उसे आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति साथ साथ आध्यात्मिक अभिरुचि वाला होगा और ईश्वर में आस्था रखते हुए उन्नति के मार्ग को की ओर भी अग्रसर होगा। तो वो आध्यात्मिक भी होगा, प्रसिद्धि भी पाएगा और धनी भी होगा। तो सब प्रकार का लाभ यहाँ मिल जाता है। और जब सूर्य रेखा आपकी ऊपरी हिस्से में त्रिशाखित हो जाए तो एक बड़ी सफलता का संकेत होता है, तो यहाँ विशेष शुभता दिखाई देगी। अब अगर आपको ये वायु संकेत जो है ना ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, आपको हाथ में नीचे दिखाई दे रहा है, ये संघर्ष बहुत करवाएगा, ये भी शुभ है लेकिन बहुत संघर्ष करवाएगा। ऐसे व्यक्ति को 30-32 वर्ष की आयु तक तो बहुत अधिक संघर्ष रहता है, कोई कोई तो 36 वर्ष तक संघर्ष देखता है, उसके बाद भाग्योदय होता है। आमतौर पर ऐसे लोगों में 30 से 32 वर्ष की उम्र तक, 28 से 32 वर्ष में खास तौर पर बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, फिर उन्हें सफलता मिलती है। उससे पहले की उम्र में पूरी में संघर्ष चलता रहता है, तो ये शुभ है लेकिन सफलता देरी से मिलती है। अगर आपको यहाँ ये रेखा में ध्यान देना है, ये वाई शेप होनी चाहिए, यदि मिलकर इस तरह ट्रिंगल बना दे तो ये बहुत अधिक शुभ हो जाएगी और फिर ये विशेष प्रकार की शुभता दिखाती है। अब संघर्ष बहुत कम होता है, सफलता अचानक मिलने लगती है, भाग्य जबरदस्त उन्नति करता है, एक अच्छे पद की उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है जीवन में। अगर आपको ये वायु की शाखाएं बहुत नीचे आ जाएं और यहाँ आकर हृदय रेखा से जुड़कर इस तरह एक ट्रेंगल बना लें, तो अगर ऐसा एक ट्रेंगल बन रहा है जिसमें निचला आधार जो है उसको हृदय रेखा दिखाई दे रहा है त्रिकोण का, और ऊपरी दोनों शाखाएं जो है सूर्य रेखा की वायु शेप की शाखाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुत शुभ माना जाता है और अच्छी उन्नति वाला ये चिन्ह होता है हाथ में। तो ये जिनमें भी हाथ में दिखाई देता है ऐसे लोगों में नौकरी की बहुत अच्छी संभावना, एक स्थिर अच्छी इनकम वाली बहुत अच्छी आय वाली नौकरी ऐसे लोगों को मिल जाती है। तो जहां उनका कर्म क्षेत्र अच्छा हो जाता है वहीं उनकी प्रतिष्ठा आम लोगों में अच्छी हो जाती है। यहां जब मैं शाखाओं की बात करूं तो आपको ये ध्यान देना है, जब मैं वाई शेप की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ आपको देना, अगर ये बहुत एक शाखा है एक रेखा तो बहुत शुभ है, इसमें जो शाखाएं हैं वो बहुत हल्की हल्की सी हो गई हैं, बहुत हल्की हल्की सी हो गई हैं, ये शाखाएं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये मजबूत होनी चाहिए, उतनी ही मजबूत जितनी की शाखा, तब ये विशिष्ट शुभ फल देंगी, अन्यथा ये उतना शुभ फल देने वाली नहीं है। अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि एक शाखा बिल्कुल मजबूत है और दूसरी शाखा बिल्कुल हल्की सी बनी हुई है, अब यहाँ भी ये सूर्य रेखा के झुक जाने का, एक ओर जिस भी ओर झुकी है उस झुक जाने का फल ही विशेष दिखाई देगा, आपको द्विशाखित होने का फल बहुत विशेष जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो बहुत बड़ी उन्नति के संकेत यहाँ नहीं है। अगर आपको ये सूर्य रेखा भी दोषपूर्ण दिखाई दे रही है, ये वाई शेप बन गया है और यहाँ पर आपको इस तरह से आड़ी तिरछी रेखाएं काटा पीटी सी बहुत दिखाई दे रही है, अब ये स्ट्रगल है, सफलता तो मिलेगी, बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत संघर्ष करना होगा, उसके बाद सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन उन सफलताओं के बीच में व्यवधान बहुत अधिक होगा, तो ये आपको संकेत दिखाई देगा। अब उम्मीद है आप इस विषय को समझ पा रहे हैं, ये एक विशिष्ट स्थिति थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जब भी आप प्रसिद्धि पर विचार करें किसी व्यक्ति की तो साथ में बृहस्पति को जरूर देख लें। यदि आप कर्म पर विचार कर रहे हैं, अर्थ पर धन पर विचार कर रहे हैं तो आपको शनि साथ में देख लेना है। यदि आप व्यापारिक क्षमताओं पर विचार कर रहे हैं तो आपको बुध साथ में देख लेना है। और यदि केवल प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, केवल नाम यश कीर्ति की बात कर रहे हैं तो आपको सूर्य पर विशिष्ट ध्यान देना है। लेकिन सगल पदार्थ सब जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं, विश्व में सब कुछ उपलब्ध है किंतु कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अगर आपके हाथ में इस तरह के संकेत हैं तो आपको इससे करना क्या है, ज्योतिर्वेद चक्षुषः, ज्योतिष चक्षु हैं, आंखों की तरह काम करते हैं, आपने जान लिया कि आपको सफलता मिल सकती है, अब आपको करना क्या है, पुरुषार्थ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पुरुषार्थ है।
अगर आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो हाथ की रेखाएं धूमिल पड़ने लगती हैं समय के साथ और गायब होने लगती हैं। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो शुभ संकेत हाथों में और अधिक मात्रा में बढ़ने लगेंगे। तो ईश्वरीय कृपा और कठोर परिश्रम, ये दोनों आपको अच्छी सफलता दे सकते हैं। उम्मीद है इस विषय को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।